नमस्कार, बोल्स्काई में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश उत्सव इस बार 10 सितंबर से 19 सितंबर तक मनाया जाएगा। गणेश स्थापना चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र में होगी। ज्योतिष के अनुसार जो रंग आपकी राशि के अनुकूल है, अगर आप उसी रंग की प्रतिमा को स्थापित कर संकल्प लेते हैं तो आस्था अधिक फलीभूत होगी। तो आइए जानते हैं राशि अनुसार किस रंग की गणेश प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। ये लाल रंग के घोतक हैं। लाल रंग की प्रतिमा स्थापित करना उचित होगा। वृषभ। स्वामी ग्रह शुक्र हैं, इसलिए चमकीले सफेद रंग की एक दंत प्रतिमा लाना चाहिए। मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। मिथुन राशि के जातकों के लिए हल्के हरे रंग में लंबोदर की मूर्ति की स्थापना करने से बुद्धि और बल की प्राप्ति होगी। कर्क। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। सफेद रंग के मूषक वाहन के साथ गणेश प्रतिमा फलदायी होगी। सिंह। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। वक्र तुंड की केसरिया रंग की गणेश प्रतिमा को स्थापित करें। कन्या। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। गहरे हरे रंग की लंबोदर की मूर्ति की स्थापना करना फलदायी होगा। तुला। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। हल्के नीले रंग की एक दंत प्रतिमा लाना मंगलकारी होगा। वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। गहरे लाल रंग की प्रतिमा को अपने घर में लाएं। धनु। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। पीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीले रंग की भगवान बुद्धि प्रिय की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करें। मकर। मकर राशि वालों को हल्के नीले रंग की प्रतिमा फलदायी होगी। शनि का प्रकोप हटेगा क्योंकि इस राशि के स्वामी शनि हैं। कुंभ। भगवान रुद्र प्रिय की गहरे नीले रंग की प्रतिमा स्थापित करें। इस राशि के स्वामी भी शनि हैं। मीन। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। गहरे पीले रंग की भगवान विनायक की प्रतिमा स्थापित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो अब आप भी अपने घर में अपने राशि अनुसार ही गणपति बप्पा की मूर्ति लाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल्स्काई के साथ।